विदिशा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्पित उपाध्याय द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी को ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल पर FIR दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्पित उपाध्याय ने जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने वाले ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन पर FIR करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कलेक्टर के आदेश में साफ साफ लिखा है कि सुबह 9 बजे से पहले स्कूल ना खोले जाएं, लेकिन ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 9:45 से 2 बजे तक का SMS भेजा जा रहा है। इसमें कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है, इसलिए स्कूल प्रबंधन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। कल जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित आदेश जारी हुआ था, जिसमें कि सारे स्कूलों को प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए 9 बजे से स्कूल संचालित करने के लिए आदेशित किया गया था और वो आदेश तत्काल प्रभाव से लागू था। लेकिन ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल ने कलेक्टर के आदेश को ना मानते हुए कई कक्षाओं जो 8वीं से नीचे हैं 9:45 का मैसेज भेजा है। सीधा सीधा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल ने की है, जिसको लेकर हमने सिविल लाइन थाने में FIR की मांग को लेकर आवेदन दिया है और हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ FIR की जाए, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी मनमानी के लिए चर्चा में रहता है और जिला कलेक्टर का आदेश न मानना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की उनको सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। जी, कांग्रेस कमेटी के अर्पित उपाध्याय के नेतृत्व में किस पर आए थे और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल जो है कलेक्टर साहब द्वारा जारी आदेश समय 9 बजे से सर्दी में स्कूल लगने के विरुद्ध 9:45 स्कूल लगा रहे हैं, उनका ज्ञापन ले लिया है और जांच की जाएगी, जो भी सही कहा जाए कार्रवाई।